ये जो चिकन है ना थोड़ा तीखा है लेकिन बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो सभी को खा लिए हैं, उसके बाद मैं अभी खा रही हूँ। हेलो फ्रेंड, हाय, नमस्ते, कैसे हैं हम सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी शाम का समय हो रहा है और ये देखिए अभी मैं किचन में हूँ। तो अभी किचन में मैं अभी शाम का खाना बनाने जा रही हूँ और मेरा खाना अभी चावल बन चुका है और अभी सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो अभी चलिए मैं दिखाती हूँ, मम्मी जी ने मटर कर दिए हैं। तो क्या मटर कर दिए हैं, तो चलिए मैं पूरे वीडियो में आप लोगों को देखने के बाद पता चल जाएगा कि मम्मी जी ने क्या आज कर दिया है और खाने में भी काफी मजा लगने वाला है। तो ब्लॉग देखिएगा, ब्लॉग देखने के बाद प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं अच्छे आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में आप लोग बने रहे। तो फ्रेंड, चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ बाहर में। और अभी मैं किचन से बाहर निकल रही हूँ और यहाँ पे देखिए शाम हो चुकी है, सबको अभी आ रहे हैं और पापा जी अभी टीवी देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मम्मी जी ने क्या कर दिए हैं, ये देखिए ये चिकन है जो कि मम्मी जी ने अभी इसको मटर कर दी है और अच्छे से बना उना के भी रखी है। इसको हम अभी फ्राई करते हैं अच्छे से और बना के दिखाते हैं आप लोगों को कि हमारे गांव देहात में किस तरह से बना के खाते हैं। तो मेरे साथ पूरा वीडियो में बने रहिएगा। चलिए मैं इसको भी फ्राई करती हूँ। सबसे पहले मैं चूल्हा जला लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे मेरा लकड़ी का चूल्हा रखा हुआ है वहाँ पे मैंने चूल्हा जला दिया है लकड़ी में। और अभी जो ये छोटा कढ़ाई है ना उसको मैं, ये जो मेरा राख बचता है ना उससे मैं पीछे इसको पुताई कर लेती हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा काला ना हो और ये जल्दी भी छूट जाता है इस तरह में। तो फिर अभी हम चढ़ा के और फिर हाथ धो लेते हैं। और धोने के बाद यहाँ पे देखिए कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है और गर्म होने के बाद यहाँ पे देखिए अपने अनुसार इसमें हम तेल डाल देते हैं। और अभी मेरा तेल गर्म भी हो चुका है और उसके बाद मैंने तेज़पत्ता भी डाल दी हूँ। और तेज़पत्ता भी डालने के बाद ना ये जो कटा हुआ हरा ये प्याज है तो ये मैं अपना बाड़ी से ही लाई थी। तो इसको मैं देखिए अभी कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद अभी मेरे तेल गर्म होने के बाद अभी मैं डाल दी हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं चलिए आप लोगों को सामने से दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये जो कटा हुआ हरा प्याज देख रहे हैं ना, ये खाने में भी ये भी अच्छे लगते हैं। तो वो जो प्याज रहते हैं ना वो मेरे घर में ख़त्म हो चुका था क्योंकि जितने भी छोटे छोटे थे ना वो सब पत्ते निकल गए थे। तो मम्मी जी ने सारे में बाड़ी में लगा दिए हैं। तो यहाँ से देखिए मेरा प्याज बुना हो ही जाता है। और मम्मी से बांधना ये जो मेरा चिकन है ना ये देहाती चिकन, इसको मैं अभी डाल देती हूँ और ये मेरा भी भुना हुआ हो जाता है। इसके बाद ना ये अपने अनुसार इसमें हम नमक पाउडर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम नमक देखिए अच्छे से इसको चलाएंगे और इसको अच्छे से कम से कम सब भूनेंगे। और भूनने के बाद ना फिर यहाँ पे देखिए अपने अनुसार फिर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा। और ये देखिए इसको भी हम अच्छे से चला लूँगी। और ये देखिए अभी मेरा ना आग थोड़ा कम हो गया है तो इसको भी मैं अच्छे से पहले ये हल्दी पाउडर को मिला लेती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ना काला काला, तो ये जो हम पत्ते डाले थे ना वही सब है, ये काला नहीं हुआ है। तो यहाँ वीडियो में आप लोग को शायद दिखता होगा कि काला हो गया है लेकिन ये काले नहीं हुए हैं क्योंकि हम ज़्यादा इसको फ्राई नहीं किए थे। फिर यहाँ पे देखिए पिसा हुआ जो मसाला होते हैं ना हम पीस लिए थे पहले स्लेट भट्टी में, तो उसको मैं अभी पीस के रख ली थी और उसको मैं अभी डाल दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लकड़ी का चूल्हा है तो फिर फटाफट करना पड़ता है, नहीं तो जल भी सकता है क्योंकि लकड़ी हमेशा जलते रहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और अपने अनुसार इसमें पानी डाल के फिर ढक देते हैं और इसको हम अभी छोड़ देंगे और लकड़ी हम अच्छे से फिर जला देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम हाथ वगैरह सारे धो के और आने के बाद लकड़ी को भी हम अच्छे से जला देंगे। और जलाने के बाद ना मेरा कम से कम 15 मिनट तक जो हम पानी डाले थे वो खोल चुका है। खोलने के बाद यहाँ पे देखिए अब जो मेरा कट्टा धनिया पत्ता है ना उसको मैं यहाँ डाल देंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने डाल दिया है और डालने के बाद थोड़ा सा इस तरह से करके चला देती हूँ और अच्छे से मैं
आग भी अच्छे से जला देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा बन के तैयार हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं अपना ये खाना लगा लेती हूँ। तो देखिए हम चावल अपना लगा लिए हैं और थोड़ा सा अभी मैं खा के बताती हूँ आप लोगों को कैसा मेरा बना है आज का चिकन। तो ये जो चिकन है ना थोड़ा तीखा है लेकिन बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो फ्रेंड तो देखिए अभी हमने खाना वगैरह भी खा लिया है और जो मैं आज बनाए थे स्पेशल चीज वो बहुत ही अच्छे लगे थे। और ये देहाती जो मुर्गा होते हैं ना वो घर के ही मुर्गे थे तो उसी को आज हमने मम्मी जी ने ये कटिंग कर दी। तो अभी हमने फ्राई कर दी और खाना वगैरह भी खा लिए और मम्मी अभी नहीं खाई क्योंकि उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था तो उनका ये भी रख दिए और आगे भी नहीं खाई है। ऐसे तो पापा भी नहीं खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। तो दाल बना दिए थे और चटनी बना दी थी भात बना दिए थे वही खाए और बस अभी हम खाएं। और ये देखिए अभी रात का मैंने बर्तन भी अभी धो के रख लिए सारा ये सब इस तरह से कर दिए ताकि मेरा पानी जब हम बर्तन स्टैंड में रखेंगे तो मेरा पानी यहाँ से गिरे ना, इसलिए हम इसको सारे को ये उल्टा करके रख दिए हैं। तो फ्रेंड ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी देखिए काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है तो प्लीज़ सबको अपना ध्यान रखिएगा और हम भी अपना ध्यान रखते हैं। अभी बस स्कार्फ ये सब लगाना है तभी जाके रूम में हम लगा लेंगे सारा। अभी रात का बर्तन वगैरह साफ भी कर लिए और झाड़ू वगैरह भी करके और पैर हाथ धो लिए, बस अब जाके सोना है। आगे सो चुकी है, सब कुछ सो चुके हैं, बस हम बाकी है तभी हम चलते हैं। और आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट। तो चलिए फ्रेंड मैं अपना वीडियो यहीं तक एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।